नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जे टीवी बिहार न्यूज। अभी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के एरकी पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी रंजीत कुमार जी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इनके समर्थन में महिला, पुरुष, युवा सभी वर्गों का कहीं न कहीं साथ मिल रहा है रंजीत जी को। तो इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि मोहनपुर प्रखंड में 10वां चरण में 8 दिसंबर को मतदान है, तो यहाँ पे और 10 तारीख को इसका परिणाम आने वाला है, इसका नतीजा आने वाला है। तो देखना यह है कि कितना रंजीत जी को सपोर्ट यहाँ की जनता करते हैं, कितना समर्थन मिलता है। तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे, उससे पहले रंजीत जी से जानना चाहेंगे। सब स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा यही है कि जो 7 निश्चय जो नीतीश कुमार का जो योजना चल रहा है वो हर घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा, बीपीएल में नाम नहीं है, लोग को राशन नहीं मिल रहा है। तो हम जन जन तक सुविधा पहुंचाने का इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, किसके वजह से ऐसा हो रहा है, आखिर कौन इसका दोषी है? तो दोषी तो प्रतिनिधि है ना, यानी आपका इशारा जो वर्तमान मुखिया है उनपे है क्या? और भी लोग हैं प्रतिनिधि, तो वार्ड सदस्य लेकर पंचायत में जो प्रतिनिधि ऊपर से नीचे सिस्टम में जो भी हैं सारे लोग इसमें दोषी हैं। क्योंकि जब वार्ड भी है ग्राउंड लेवल पर तो वार्ड हैं, तो वार्ड को भी एक एक चीज को एक एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि किसको क्या नहीं मिल रहा है, किसको कॉलोनी मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो एक एक पहलू पर तो पहले वार्ड को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद सिस्टम। तो मुखिया तो भाई पूरे प्रधान हो गए, पंचायत का मालिक हो गए, तो फाइनली है वहाँ तक। तो यानी जो योजना है राशन कार्ड वगैरह सब गरीबों तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे? हाँ, जरूर पहुंचाएंगे। क्या लग रहा है सर, जैसा कि अब हम लोग आ रहे थे तो आपका जो पोस्टर था, बैनर था, उस पर लिखा हुआ था MBA फॉर्म पूना। तो हम जानना चाहेंगे आप सर, इतने पढ़ाई लिखाई की, MBA किए हैं, तो यहाँ के जनता जो है युवा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सर आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम तो काम करेंगे ही, और हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत है यहाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में काम तो करना ही है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ जागरूक करना है, मोटिवेट करना है, सब लोगों को बताना है एक एक चीज़ पहलू पर और शिक्षा का महत्व को बताना है कि आखिर शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंस है। और इसके पहले मैं बता दूं कि 1978 से 2001 तक हमारे बड़े पापा स्वर्गीय शहदेव सिंह यादव इस पंचायत को लीड किए, और 22 साल रहने के बावजूद वो हर एक वर्ग के लोगों को लेके चले, और आज सभी के दिलों पर वो राज कर रहे हैं। मर गए लेकिन वो अमर हैं। क्या लग रहा है उनके कदम पे आप भी चल रहे हैं? हम उन्हीं के कदम और नक्शा पर हम चल रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी को हम खुश रखने की कोशिश करेंगे। जैसा सर उनके हर समाज से समर्थन मिलता था, हर समाज के लोग उन्हें मानते थे कि मुखिया के रूप में या आदर्श के रूप में मानते थे, हर जगह उनको बैठने को मिलता था, क्या लग रहा है ऐसा लोकप्रियता आपको भी मिल रहा है? मेरा देखिए कोटेशन है, स्लोगन है, जात नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का आशीर्वाद चाहिए। और हमारे साथ हर एक वर्ग का लोग जुड़ा हुआ है, हमें जातिवाद नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, बचपन से ही बाहर पढ़ाई लिखाई किए। इसमें है कि बाहर में तो हम लोग को पता भी नहीं होता था कोई जाति भी क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सब हरजन वर्जन हम लोग साथ में खाना पीना एक साथ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, इसी कारण आज तक हमें भी वो फीलिंग नहीं है। क्या लग रहा है सर पूरे पंचायत से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर एक वर्ग के लोग, बूढ़ा बूढ़ी, माँ बहन, युवा। हमारा दो ग्रुप चल रहा है युवा का, 250 लड़का उसमें हमारा फुल हो चुका है, तीसरा ग्रुप भी हमारे साथ, काफी युवाओं का समर्थन। जैसा आप कह रहे हैं सर कि हर वर्ग के लोग साथ बैठते हैं, तो जो चुनाव आता है तभी बैठते हैं कि हमेशा बैठते हैं? नहीं, देखिए लास्ट हम 2 साल से हम चुनाव में प्रचार में अपना लगे हुए हैं। लास्ट 22 मार्च 2021 को लॉकडाउन हुआ था, तो हम गांव आए यहाँ। आने के बाद लोगों ने कहा कि ये आपका तो खानदानी सीट है और आप लोग छोड़ दिए, इसलिए आप लोग जैसा नेतृत्व करने वाला चाहिए, नहीं तो हम लोग पास विकल्प नहीं है, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। सर मुखिया ना रहते हुए भी कुछ कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें आपने कुछ वितरण वगैरह? बहुत कुछ किया हमने। अच्छा। हमने पंचायत में ये हम क्या बतलाएं, पंचायत में कहीं कहीं कुआं धस गया, कहीं कुछ हुआ, मरनी हरनी में कुछ लोग कहा कि अब तो लोग मुखिया जी कहने लगे कि कुछ निसहाय है एकदम, कोई नहीं है इसका, तो जो यथाशक्ति हमको बना 1500 करके जितना तक हुआ हमने किया। जी धन्यवाद। मुखिया जी हमेशा आते हैं रंजीत जी, कि अभी आते हैं चुनाव में? हमेशा आते हैं। बैठते उठते हैं आप लोग के साथ? हाँ, हाँ। इनके घर पे जाते हैं तो आप कुर्सी उर्सी देते हैं बैठने के लिए? भगा देते हैं बाहर? नहीं ना, मुँह पे बड़ाई कर रहे हैं, सच्चाई है? हाँ, तो देखे उनके लिए ना, सुनने को बताइए, हमारे घर भगवानपुर। अच्छा, क्या कहें इनके समर्थ, इनको आप वोट दीजिएगा रंजीत जी को? दीजिएगा? पैसा पे कैसे ही ना, ऐसी पैसा कहाँ, नहीं ऐसा समर्थन आप लोग कर रहे हैं ना?
जैसा कि महिला भी है मुखर होकर विभाग तरीके से कह रहे हैं कि हमेशा आते जाते रहते हैं हम लोग के बीच और इनको ही वोट देने की बात करें। सर आप इस पंचायत के वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी? एक जो होना चाहिए उम्मीदवार में हर गुण एक मुखिया बनने के लिए, उस रंजीत जी में है? बिल्कुल बेस्ट है नाम। बेस्ट हैं जी। क्या लग रहा है अभी जैसे कोरोना काल आया था तो जैसा कि हाँ, बात कही कि हम लोग गरीबों के बीच जाकर मदद किए थे, क्या क्या मदद किए थे उस टाइम? मतलब किसे कोई देख के भागता रहा। अच्छा अच्छा। अभी चला था हाल समाचार पूछते रहे और कोई कुछ करते थे कि मास्क लगाइए सैनिटाइजर जागरूक करते थे। क्या कहना चाहेंगे आप बुजुर्ग हैं? यही तो बात कीजिए, बोल रहे थे सब सबको मास्क लगाइए। रंजीत जी के आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। तो बस ऐसे मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं? नहीं समर्थन कर रहे हैं जी जी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम इनको वोट देंगे। इन्हीं को वोट दीजिएगा? काहे प्रत्याशी तो 67-68 गो है, तो फिर जो भलाई करेगा उसी को न करेंगे, भलाई यही करते हैं। और वर्तमान मुखिया है वो कोरोना काल में आप लोग को मदद की है, जो अभी वर्तमान मुखिया है कि क्या छोट छोट बात क्या कहे? छोट छोट प्रधान है गांव के, छोट छोट बात क्या कहे? इशारों में आपने बहुत कुछ कह दिया, क्या कहना चाहेंगे? और आ गया और चलो, आप ही सिर्फ कहाँ घर है आ गया? भवानी बीघा। मोहन बीघा? नहीं, भवानी बीघा। भवानी बीघा। तो क्या लग रहा है रंजीत जी मुखिया बनेंगे तो आप लोग का विकास करेंगे ऐसा उम्मीद है इनसे? हाँ, ऐसा उम्मीद है, भरोसा करते हैं इन पे? हाँ, भरोसा करते हैं। क्या लग रहा है जो उम्मीद आप लोग कर रहे हैं रंजीत जी पे जी, तो उम्मीद पे खरे उतरेंगे रंजीत जी? जी, तो बदल जाएंगे मुखिया? नहीं जी, नहीं। हाँ, समाज नवे हैं, नवयुवक दल हैं, समझे? नवयुवक दल में हम लोग युवा बना के अति कर रहे हैं कि नवयुवक हैं, हम लोग काम ले सकते हैं इनसे। गांव में बहुत फूस फूस का भी मकान है, फूस फूस के मकान है, कोलनी में कोलनी नहीं मिला। आज तो चापा कल मिलने किया, कोलनी क्या मिलेगा? चापा कल नहीं मिला है कोलनी। मुखिया जी नहीं बताया कि हम लोग बहुत बताए हैं तो क्या बोले? बोले मिलेगा मिलेगा, आम गिरेगा, आम गिरेगा तब ना खाएंगे, आम गिरिए ना खाए। सर आप जैसा कोलनी की बहुत बड़ा समस्या यहाँ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना से कोलनी प्रदान करवाएंगे बेघरों को? क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि एक होती है तो हमके घर से नहीं करना है, हमें लोगों को जागरूक करना है और जितना सरकारी योजना है, सरकारी योजना को जन जन तक हम अपने पहुंचाने का काम करेंगे। जहां पंचायत में जा रहे हैं वहां लोग कह रहा है कि मुखिया जी इतना पैसा लेते, उतना पैसा था, कितना पैसा? नहीं नहीं नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे और देंगे ना लेंगे, और अभी हम चुनाव में भी हम पैसा नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि हम निस्वार्थ भावना से हम बोल रहे हैं कि अब समय बदल गया है, अब लोग मुर्गा भात पर नहीं बिकने वाला है। लोग बहुत लोगों का मंसूबा है कि हरजन महादलित को हम खरीद लेंगे मुर्गा दारू पे। अच्छा। लेकिन हम सबके सबसे विनती कर रहे हैं कि अगर संकल्प कर लिया है कि जनता जनता संकल्प कर लिया है मुर्गा दारू पे नहीं बिकेगा। और आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आज हमारे बगल वाले पंचायत में 25-30 लाख रुपया खर्च कर रहा चुनाव हार रहा है, इसका मतलब साफ साफ हो रहा है हम खर्च नहीं कर रहे हैं पैसा। नहीं नहीं, एक जो गाना भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है पंचायत चुनाव में, नोट पर न वोट बर्बाद करना चाहिए, ये गाना सबसे पहले हमने निकलवाया था। और मैं जागरूक कर रहा हूँ महादलित समाज को एटलीस्ट कि ये 1500 कितना दिन चलेगा। गाना से असर होता है बहुत बहुत, अभी तो काफी परिवर्तन हो रहा है, पैसा का तो वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है, पैसा को लोग एकदम दरकिनार कर दिया है कि नहीं पैसा कितना दिन चलेगा। एक दिन पैसा देने के बाद, चुनाव जीतने के बाद लोग चढ़ जाता है कि तुम पैसा लेकर वोट दिया है, तो पब्लिक भी जागरूक हो चुका है। रंजीत जी, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से अपने एरकी पंचायत के जनता से वासियों से क्या कहना चाहेंगे? जनता के वासियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सोच समझ कर अपना मतदान करें और जनमत हमें मिल रहा है और सहयोग करें, वोट को बंदरवाट ना करें। लोग बहुत तरह के लोग यहाँ भड़काने वाले आ रहे हैं, भड़का रहे हैं कि हमारे इतना वोट यहाँ आया, सब हवाबाजी में, और 9 कैंडिडेट है, 9 वो जीत रहा है, 9 जीत रहा है। हाँ, 9 वो जीत रहा है, यही हम कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कह रहे हैं कि आप मेरा रिपोर्ट उठा के देखिए और हम अपनी बातों पर विश्वास, चूंकि हर लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोग पहले कहावत कहता था कि जितना दिख रहा है वो हमरे है, 52 बीघा पुदीने है, और मालूम चल रहा है कि पुदीना बाजार से खरीद के ला रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग पता कीजिए मेरे बारे में, मेरा रिपोर्ट पता कीजिए, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट नहीं, मोहनपुर प्रखंड में कोई कैंडिडेट नहीं है, और पर्सनली हम बताएं कि हमें कोई नशा नहीं है, ये पूरा पब्लिक जान रही है और कुछ गांव में कुछ छुपा हुआ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। अभी हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी रंजीत कुमार जी जुड़े हुए थे, MBA किए हैं पुणे से, इन्होंने ग्रामीण को जागरूक भी करने का काम किया था जब कोरोना काल यहाँ पे, कोरोना वैश्विक महामारी यहाँ पे जोरों पे था, कोरोना काल का भयावह माहौल हो गया था, तब जागरूक भी करने का काम किए थे रंजीत जी। तो इनके समर्थन में यहाँ के बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो भी कहें कि नहीं रंजीत जी पे कहीं ना कहीं भरोसा है, उम्मीद है। तो देखना यह है कि 8 दिसंबर को कितना इनको समर्थन मिलता है, 10 दिसंबर को नतीजा में क्या कुछ इनका परिणाम आता है, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहे जी TV बिहार न्यूज। गुरु लाइन आ गया था सर हमारे।
रंजित मुखिया जिंदाबाद, रंजित मुखिया जिंदाबाद, आपका मुखिया कैसा हो? रंजित भैया जैसा हो। आपका मुखिया कैसा हो? रंजित भैया जैसा हो। आपका मुखिया कैसा हो? रंजित भैया जैसा हो। इनकलाब।